दोस्तों, ये इंटोमोलॉजी का लेक्चर सीरीज थर्ड है और यहाँ पर कुछ हम लोग फैक्ट्स जैसे हम डिस्कस करते थे प्रीवियस जो वीडियोस हैं जिनमें मैंने डिस्कस कर रखे हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये वीडियो मिलेंगे, आप वहाँ पर जाइए और देखिए, ये काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला फैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है वो बोला है वैक्टर ऑफ राइस टूमरू जो वायरल डिजीज है वो किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है। तो आपसे बता दूँ, इसका ट्रांसमिशन देखोगे आप जो ग्रीन लीफ हॉपर होता है जिसको नेपोथेटिक्स बोलते हैं साइंटिफिकली, इसके द्वारा ये ट्रांसमिट होता है। और एक दिखता कैसा है आप देख सकते हो, ये ग्रीन आपका राइस प्लांट हॉपर है और ये हॉपर क्या है कि इस वायरस को ये ट्रांसमिट करता है। अब अगर हम बात करें जैसे दूसरा जो यहाँ फैक्ट है वो कहता है वैक्टर ऑफ राइस ग्रेसिस्टेंट डिजीज़, ये किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है। तो ये भी एक वायरल डिजीज़ है और इसके लिए ट्रांसमिशन के लिए एक वैक्टर की ज़रूरत होती है। वैक्टर मीन्स जो आपको एक मीडियम है जो ट्रांसमिट करें फ्रॉम वन प्लांट इन्फेक्टेड प्लांट्स टू द अदर प्लांट। तो देखोगे इसका जो भी है उसको बोलते हैं हम ब्राउन प्लांट हॉपर, नीलो पारवाता लूजेंस बोलते हैं इसको साइंटिफिकली। और एक ग्रासी स्टंट जो है इसमें देखोगे कि आपको प्लांट्स की स्टंटिंग हो जाएगी, आप ये देख सकते हो कि जो प्लांट है वो स्टंटिंग ग्रोथ होता है। और एक वायरल डिजीज है ये जो ट्रांसमिट होता है, याद रखिएगा, ब्राउन प्लांट हॉपर के द्वारा। अब हम बात कर लें दूसरा जो फैक्ट है वो पूछ रहा है चेफी ग्रेन जो है विथ ब्लैक स्पॉट इन राइस, ये राइस है सॉरी, आर ड्यू टू किसके द्वारा होता है। तो आपसे बता दें इसका जो राइट आंसर है वो है गंदी बग, इसको बोलते हैं लेरिसा एक्यूटा। और ये आप देखोगे कि ये बग है जो क्या कि मिल्किंग स्टेज पर जो है राइस के जो मिल्किंग स्टेज होता है इसी स्टेज पे ये इसको क्या कहते हैं अटैक करता है और जो इसके मिल्क होते हैं उसको सक कर लेता है, जिससे आपका जो ग्रेन है वो चैफी होने लगता है। ये जो आप देख रहे हैं चैफी ग्रेन मिलता है। अब इसके बाद जो फैक्ट है वो पूछा है इन राइस गंदी बग काज डैमेज ऑन द स्टेज, मीन्स राइस के कौन से स्टेज पर ये अटैक करता है। तो आपसे बता दूँ इसका राइट आंसर है वो वैसे मिल्किंग जो मिल्की स्टेज है उसी पर इसका अटैक होता है। जब आपका ग्रेन है इसमें मिल्क रहेगा उस स्टेज पर क्या करता है ये अटैक करता है। उसके बाद हम बात करते हैं सीरियस पेस्ट ऑफ वीट, सीरियस पेस्ट कौन है वीट का। तो आपका राइट आंसर है वो है टर्माइट, टर्माइट जो है सीरियस पेस्ट है इसका, आप देख सकते हो। इसके वजह से आपको क्या करता है कि ये टर्माइट जो है जो रूट सिस्टम है प्लांट का वहाँ कट कर देगा, जिससे आपका सीधा जो वीट है वो सूख जाता है और उस तरह से आपका वो गिर जाएगा। ये एक सीरियस पेस्ट है इसका वीट का। अब बात कर रहा है कि जो वीट में स्टेम बोरर लगता है जिसको सेमिया इन्फ्लुएंस बोलते हैं वो अटैक करता है कब। तो याद रखिएगा नाइट के टाइम पर ये जो है वीट स्टेम बोरर जो है अटैक करता है। उसके बाद बात करेंगे स्पेसिफिक पेस्ट ऑफ वीट नर्सरी, ठीक है, वो कौन सा है। तो जो यहाँ पर राइट आंसर है वो है गुजिया विबिल, जिसको टिनाइमिकस इंडिकस बोलते हैं साइंटिफिकली। और गुजिया विबिल देख सकते हो ये इस तरह से होता है और ये क्या है आपका वीट की जो अर्ली स्टेज है उस पर ये उसको अटैक करता है। बात कर रहा है दूसरा जो फैक्ट है वो है कंट्रोल ऑफ टुंडू डिजीज, ये टुंडू डिजीज जो होता है वीट में उसको कंट्रोल करने के लिए हॉट वाटर ट्रीटमेंट कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर देते हैं। तो आप देखोगे 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 2 आवर्स के लिए ये आपका है फिजिकल कंट्रोल है जो कि हॉट वाटर ट्रीटमेंट के द्वारा हम इसको टुंडू डिजीज को कंट्रोल करते हैं। आप देख सकते हो टुंडू डिजीज क्या है, डिस्कलरेशन होगा किसका आपका ग्लूम्स का ऑन मैच्योर वाइट हेड, देख सकते हो कि जो हेड है इसमें डिस्कलरेशन स्टार्ट करता है और ये क्यों होता है बिकॉज ऑफ द टुंडू डिजीज। और ये देख सकते हो डार्क पर्पल डिस्कलरेशन ऑफ वीट स्टेम, यहाँ पर जो है ये देखिए डार्क पर्पल कलर का डिस्कलरेशन भी होगा। ये कुछ पार्टिकुलर सिम्टम्स हैं टुंडू डिजीज के जो कि आपको अपीयर होंगे कब, जब आपका मैच्योर हेड हो जाएगा उस टाइम पर आपको ये सिम्टम्स दिखेंगे। उसके बाद कर रहा है हॉपन बर्न सिम्टम इन राइस ड्यू टू, जो हॉपन बर्न सिस्टम है सिम्टम है राइस में किसके द्वारा होता है। तो देखो आपका ब्राउन प्लांट हॉपर जो है जिसको नीलो पारवाता लूजेंस बोलते हैं, इसके द्वारा आपको हॉपन बर्न सिस्टम पूरी जो कुछ पैचेज में आपको जली जली दिखेंगे, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो इस तरह से कुछ एरिया में आपको जैसा कि पूरी तरह से जल चुका है। तो ये एक सिम्टम है किसका, हॉपन बर्न मीन्स ब्राउन प्लांट हॉपर का। वेक्टर ऑफ लीफ कर्ल वायरल डिजीज इन प्लांट कौन सा है, जो कि एज यूजुअल हम बात करें तो देखोगे वाइट फ्लाई जिसको बीमेसिया टेबेसाई बोलते हैं, ये क्या है वेक्टर है मैक्सिमम जो प्लांट डिजीजेस है वायरल डिजीज उनको ट्रांसमिट करती है। और ये है वाइट फ्लाई आप देख सकते हो, तो ये एक तरह से वेक्टर है वायरल डिजीज का इन प्लांट में। और उसके बाद कह रहे हैं फ्लरिंग स्क्वायर ऑफ कॉटन ड्यू टू किसके द्वारा होता है।
याद रखिएगा जो ये पेस्ट है आपका स्पॉटेड बॉलवर्म जिसको इरियस वेटेला बोलते हैं, इसके द्वारा ये आपका जो स्क्वायर की फ्लैरिंग ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। और ये देख सकते हैं ये पेस्ट है जो स्पॉटेड बॉलवर्म, आपकी फ्लावरिंग जो है वो प्रॉपर नहीं होती है बिकॉज ऑफ दिस स्पॉटेड बॉलवर्म की वजह से। उसके बाद बात कर रहे हैं द फॉर्मेशन ऑफ रोजेट फ्लावर्स फ्लावरिंग कॉटन टिश्यू, ये क्या किसके द्वारा होता है, रोजेट फ्लावरिंग कॉटन टिश्यू किसके द्वारा फॉर्म होता है, किस पेस्ट के द्वारा। आप देखोगे उसका जो आंसर है पिंक बॉलवर्म की वजह से, पैक्टिनोफोरा गोसिपेला जिसको बोलते हैं, इसके द्वारा आपका रोजेट फ्लावरिंग कॉटन में होगा। और ये है एक्चुअली, ये देखो पिंकिश होता है ये वॉर, और ये क्या करता है कि जो फ्लोरल पार्ट है उसको आपको डैमेज कर देगा इनसाइड द बॉल। अब उसके बाद बात करेंगे हम डबल सीड फॉर्मेशन इन कॉटन बॉल इज ड्यू टू, डबल सीड फॉर्मेशन जो है कॉटन में होता है किसके द्वारा, किस पेस्ट के द्वारा, तो ये आपका जो है पिंक बॉल बॉम जिसको पैक्टिनोफोरा गोसिपेला बोलते हैं, इसी के द्वारा डबल सीड फॉर्मेशन होता है जिसका हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था अभी प्रीवियस क्वेश्चन में। अब बात कर रहा है द लार्ज सर्कुलर बोर विथ फीकल पिलेट्स ऑन बॉल इज ड्यू इज सिम्टम ऑफ, ये किसका सिम्टम है, आपका लार्ज होल होगा और जो फीकल पिलेट्स आपको उस होल के आसपास मिलेंगे, तो आपका राइट आंसर है वो है अमेरिकन बॉल वॉर्म जो कि हेलिकोबर्फा अल्मिजेरा, ये कॉटन का पेस्ट है। आप देखोगे जहाँ पर ये बोर करता है वहीं पर पिलेट्स अपने छोड़ता है, तो ये इस तरह के अगर सिम्टम आपको कॉटन में दिखते हैं तो याद रखिएगा ये आपका हेलिकोबर्फा अल्मिजेरा का है, ठीक है। उसके बाद बात कर रहे हैं सेफेस्ट इंसेक्टिसाइड फॉर हनी बी कौन सा है, तो आपकी जो राइट आंसर है वो है इंडोसल्फान, याद रखिएगा इंडोसल्फान जो सेफेस्ट इंसेक्टिसाइड है फॉर द हनी बी के लिए। उसके बाद बात कर रहे हैं पेस्ट पॉपुलेशन शुड बी कैप बिलो, किस जो पेस्ट का पॉपुलेशन हमको उस किसके बिलो रखना चाहिए, तो वो है आपका इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेवल। इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेवल ये है कि ये एक लेवल होता है प्लांट सॉरी पेस्ट के पॉपुलेशन का, इसका अगर उसके ऊपर जाता है पॉपुलेशन इंक्रीज करती है उसके ऊपर, तो आपका ये डैमेज करेगा, उसको बोलते हैं हम इकोनॉमिक इंजरी लेवल। तो जो ये है आपका ETL है, ये थ्रेशहोल्ड लेवल है। इससे पहले मान लीजिए 40 जो है 40 पेस्ट की पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर स्क्वायर मीटर एरिया में आपका ETL है, ये माना गया कि इतना अगर पॉपुलेशन इसकी है तो ये नुकसान नहीं करेगा, इससे अगर नीचे है तो इससे अगर ऊपर इस 40 से एबव जाता है तो ये इंजरी में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स इकोनॉमिकल आपको लॉस पहुँचाएगा। तो ये मीन्स ये हो गया कि 40 जो है आपका ETL है, जब ये आपका इतनी पॉपुलेशन इस पार्टिकुलर एरिया में नोटिस्ड हो जाए तो आपको यू नीड टू अप्लाई द सम कंट्रोल मेजर्स टू कीप दिस पेस्ट बिलो दिस पॉपुलेशन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेवल। उसके बाद बात कर रहा है एप्रोप्रिएट टाइम फॉर इंसेक्टिसाइड एप्लीकेशन टू कंट्रोल डैमेजिंग पेस्ट कौन सा एप्रोप्रिएट टाइम है, तो इसका भी जो आपका राइट है आंसर है ETL जिसको हमने बात किया था इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेवल। जो इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेवल है इसी पे आपको जो है इंसेक्टिसाइड का एप्रोप्रिएट टाइम है आपका एप्लीकेशन करने का, जब पेस्ट की पॉपुलेशन इस लेवल पे आ जाए तो आपको करना चाहिए, अगर उससे नीचे है तो आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस वो जो है इकोनॉमिक इंजरी आपको नहीं करेगा, पेस्ट कास करेगा आपकी क्रॉप में, इकोनॉमिक इल रिडक्शन नहीं होगा। यहाँ बोल रहा है द पेस्ट, ये पेस्ट है ठीक है ना, पेस्ट विच अटैक ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट वो कौन सा है, तो याद रखिएगा टर्माइट एक ऐसा पेस्ट है जो आपके किसी भी पार्ट को छोड़ेगा नहीं, अगर आएगा तो उस पर अटैक कर सकता है, ठीक है। और वाइट ग्रब प्रीफर टू ले एग, जो एग लेइंग जो है वाइट ग्रब कहाँ करता है, तो याद रखिएगा जो सैंडी और सैंडी लोम सॉइल्स हैं ये इसके लिए बहुत ही फेवरेबल होते हैं, उसी में ये अपना एग का ले करता है। और ये देख सकते हो वाइट ग्रब है, ये काफ़ी आपको जैसे ग्राउंड नट उनको ये काफ़ी नुकसान पहुँचाता है, ये ग्रब कट कर देता है, ठीक है। इसके बाद द पेस्ट विच हैज़ ए स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल पेस्ट, ऐसे पेस्ट का नाम बताइए जो कि एक इंटरनेशनल स्टेटस मेंटेन किया है, तो उसका अगर आपको देखोगे तो ये है आपका डिजर्ट लोकस, इसको साइंटिफिकली बोलते हैं सीटो सिरका ग्रेगेरिया, और ये है इस तरह से काफ़ी, अब देखोगे डिजर्ट में लोकस्ट वार्मिंग होती है, स्वार्मिंग करते हैं ये, और जहाँ पर इनकी अटैक होता है पूरी तरह से आपको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो इसलिए इसको एक तरह से इंटरनेशनल पेस्ट का जो स्टेटस दिया गया है डिजर्ट लोकस्ट को, ठीक है। अभी रिसेंटली द मेथड ऑफ कंट्रोल ऑफ बॉलवर्म वो कौन सा है, तो रिसेंट मेथड जो है बॉलवर्म को कंट्रोल करने के लिए आपको याद रखना चाहिए कि DT ट्रांसजेनिक प्लांट के लिए जो ट्रांसजेनिक अप्रोच जो हम अडॉप्ट कर रहे हैं, और इस ट्रांसजेनिक के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में, जो इस इंटोमोलॉजी का अगर आपने नहीं देखा तो आप जाओ देखो, उसमें आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि BT फंक्शन कैसे करता है, वर्क कैसे करता है, ठीक है। BT मतलब कुछ नहीं, ये जान जाएगा बैसिलस थोरिनजेंसिस,
ये क्या है, सॉयल बैक्टीरियम है, और इसका जो प्रोटीन होता है वो टॉक्सिक होता है किसके लिए, बॉल बॉर्न के लिए। तो बस इतना जानिए कि ये, और ये बैचलर्स बीटी से, बैचलर्स जेनेसिस से ये जो है जीन जो है हम इसमें इस कॉटन में जो है हम इंसर्ट कर देते हैं, कॉटन का जो प्लांट होता है इसमें इंसर्ट कर देते हैं, जिससे ये इस बॉल बॉर्न के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाता है। तो ये थे कुछ जो कि मैं इस वीडियो में डिस्कस करना चाहता था। उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ये वीडियो कैसी थी लाइक करके, कमेंट करके और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबाइएगा।